हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं मनी प्लांट्स के ऊपर कि कैसे हम जो है घरों में मनी प्लांट्स को इजीली उसकी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंजॉय करिएगा, और अगर आप भी इसी तरीके से अपने घरों में मनी प्लांट्स को लगाना चाहते हैं जिस तरीके से ये मैंने आपके सामने मनी प्लांट्स को लगाया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मनी प्लांट्स को उसकी कटिंग से लगाना है तो आपको लेनी पड़ेंगी कुछ फ्रेश कटिंग्स। तो इसमें से जो है हम कुछ कटिंग्स ले लेंगे फ्रेश, जो कि पूरी तरीके से मैच्योर हो। उसके बाद देखेंगे हम इसका सॉइल प्रिपरेशन और फिर देखेंगे इसका सक्सेसफुल रिजल्ट। तो अब हम पहले ले लेते हैं इनकी कटिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मनी प्लांट्स की पहले ले लेते हैं कटिंग्स। तो कटिंग्स को लेने के देखिए, आप किसी भी टूल का यूज़ करें तो पहले उसे नॉर्मल सोप या सैनिटाइजर से वॉश कर लें। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी स्टेम पे किसी भी तरीके का फंगस नहीं अटैक कर पाएगा। अब हम ले लेते हैं हमारी फ्रेश कटिंग्स। जो हमने मनी प्लांट्स की कटिंग्स को ले लिया है, अब देखिए अब आपको इसे कट कहाँ से करना था। देखिए, कट ये जो आपको यहाँ पे इससे देखिए ये नोट टाइप के दिख रहे हैं, मतलब ये छोटी छोटी स्मॉल जड़ें दिख रही हैं, मतलब रूट्स जो दिख रही हैं, इसके इससे 1-2 इंची आपको दूरी से कट करना है, क्योंकि हम इसे कुछ अलग ही तरीके से आज इसे लगाएंगे, मतलब प्रोपोगेट करेंगे। अब इसे हम वाटर में डाल देते हैं, जिस तरीके से मैंने सारे स्टेम्स को प्लेस करा हुआ है। अब हम इसे वाटर में डाल देंगे जिससे हमारी स्टेम्स जो है मॉइस्ट रहे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इसके सॉइल प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, अगर हमें मनी प्लांट की स्टेम्स को लगाना है तो देखिए, उसके अगर हम सॉइल प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें आपको 80% लेना पड़ेगा नॉर्मल गार्डन सॉइल, और जो 20% रहेगा वो हमारा रहेगा 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट। अब इन दोनों को हम अच्छी तरीके से पहले मिक्सअप कर लेते हैं। सॉइल प्रिपरेशन है वो रेडी है। अब बात कर लेते हैं मैं आज ने किस में ग्रो करने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये थर्माकोल के कप्स आते हैं, मैं इसमें आज ने ग्रो करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सेंटर में एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल कर लेना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फिल कर लेते हैं, हाफ फिल करेंगे पहले हम हमारे कंटेनर्स को। चारों ही कंटेनर, मतलब जो हमने थर्माकोल के कप्स लिए हैं, इन्हें हमने फिल कर लिया है। आपको क्या करना है, अपनी हैंड की मदद से इसकी सॉइल को थोड़ा पुश कर देंगे, जिससे क्या हो फ्रेंड्स, इसके एयर पॉकेट्स वो ख़त्म हो जाएं। जो हमारी सॉइल थी हमने उसे भी पुश कर दिया है अंदर की साइड को, जिससे इसके एयर पॉकेट्स खत्म हो गए हैं। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपकी स्टेम्स लेनी है जो कि हमने कट करी थी। इसकी आपको देखिए, ये जो यहाँ से नोड्स हैं, अगर आप इसे यहाँ से ग्रो करते हैं, मतलब देखिए अधिकतर होता है हम और भी प्लांट्स की कटिंग्स को लगाते हैं तो हम सीधा लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उनकी रूट्स डेवलपमेंट यहाँ से होती है। लेकिन अगर आपको मनी प्लांट ईजिली तरीके से लगाना, बहुत ही कम दिनों में लगाना, तो देखिए इसकी जो लीव्स के नीचे वाली है जो आपको दिख रही होंगी रूट टाइप की, इससे आप ग्रो कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो ऊपर साइड वाली लीव्स है फ्रेंड्स, ये वाली लीव्स को तो इसे आपको रिमूव करना पड़ेगा। आप चाहें तो करें रिमूव, या चाहें तो नहीं भी करें तो भी चलेगा, लेकिन हम जो इसे रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लीव को रिमूव कर दिया। आप इसे क्या करना है, आपको इसे ऐसे ही प्लेस कर देना है इसमें, लेकिन उससे पहले हम इसमें हमारा होममेड जो ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन रहता है वह लगा लेंगे। ये हमारा दालचीनी का पाउडर, तो इसे आप यूज कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ऐसे जो जहाँ इसकी जड़ें हैं, मतलब जो स्मॉल स्मॉल रूट्स रूट्स टाइप की थी, हमने ऐसे यहाँ लगा लिया हमारे दालचीनी के पाउडर को। इससे होगा ये फ्रेंड्स, अब हमारी स्टेम्स बिल्कुल फंगस फ्री है, मतलब किसी भी तरीके का फंगस अटैक नहीं होगा। अब ऊपर से हम जो है इसके सॉइल फिल कर देते हैं, जो हमारा वही पॉटिंग मिक्स था वो। अब आपको अपने हैंड की मदद से थोड़ा सॉइल को अंदर की तरफ पुश कर देंगे, जिससे ये स्टेम्प स्टेबल हो जाए। अब इसी तरीके से, जिस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये वाली स्टेम को लगाया हुआ है, इसी तरीके से हम और भी स्टेम्स को लगा लेते हैं। जो हमारे मनी प्लांट्स की कटिंग हमने लगाई हुई है, मतलब प्रोपोगेट करी हुई है, तो हमने चारों स्टेम्स को लगा लिया। जिस तरीके से हमने पहली वाली को लगाया था, उसी मेथड से हमने इनको भी लगा लिया है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इनकी कर देनी है वाटरिंग। ठीक है, अब हम सबसे पहले कर देते हैं इनकी वाटरिंग। वाटरिंग आपको इनकी आराम से ही करना है।
यहाँ पे जो हमने मनी प्लांट्स की कटिंग्स को लगाया है, इनकी हमने अब कर दिया वाटरिंग। अब आपको इसे प्लेस कर देना है शेडी एरिया में। अब हमें देखना है ये कब तक इनकी रूट्स जर्मिनेट होती है, मतलब डेवलप्ड होती हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा इसके सक्सेसफुल रिजल्ट। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि हम जो मनी प्लांट्स की कटिंग कौन से सीजन में लगाना चाहिए। देखिए मेनली जो भी हमारे मनी प्लांट्स की कटिंग्स रहती हैं फ्रेंड्स, इसे आप रेनी सीजन में लगा सकते हैं और सर्दियों के मौसम में लगा सकते हैं। ये इजिली प्रोपोगेट हो जाती है इन दो मौसम में। अगर बात करें फ्रेंड्स गर्मियों के मौसम में, तो देखिए आप इसे जो है गर्मियों के मौसम में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसे रखना पड़ेगा पूरे शेडी एरिया में, मींस जहां डायरेक्ट सनलाइट ना आए आप उसे वहां प्लेस कर देंगे, तो आपकी ये स्टेम्स जो है गर्मियों के मौसम में भी लग जाएंगी। मनी प्लांट्स जो रहता है फ्रेंड्स हमारा 12 महीने का प्लांट है, इसमें किसी भी तरीके की फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन जो इसकी लीव्स रहती हैं फ्रेंड्स तो ये डबल कलर्स में रहती हैं, जिस तरीके से आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये ग्रीन और येल्लो का मिक्सचर है, तो ये बेल टाइप की रहती है फ्रेंड्स और 12 महीने रहती है, और इसके जो पत्ते रहते हैं ऑलवेज ग्रीनिश रहते हैं, इसलिए लोग इसे लगाना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने घरों में मनी प्लांट्स की कटिंग्स को लगा सकते हैं। मेनली देखिए इनकी लीव्स भी थोड़े अलग अलग वेराइटीज़ में भी आ जाती हैं, तो इसी तरीके से आप चाहें तो इसकी प्लांट्स की स्टेम्स हैं इन्हें घरों में लगा सकते हैं। अब हम कुछ दिन रुकते हैं फ्रेंड्स, इसे हम प्लेस कर देंगे शेडी एरिया में और देखते हैं हम इनके सक्सेसफुल रिजल्ट आफ्टर 15 डेज। तो यहाँ पर जो है हमने हमारी मनी प्लांट्स की कटिंग्स को लगाया था, तो इन्हें प्रपोगेट करे हुए 15 दिन पूरे हो चुके हैं, और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, ग्रोथ में इनकी फ़र्क आया है, यानी कि देखिए न्यू लीव्स इनकी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप भी अपने घरों में मनी प्लांट्स को इजीली प्रपोगेट कर सकते हैं, जिस मेथड से मैंने कराया हुआ है और जिस तरीके का सक्सेसफुल रिजल्ट मैंने पाया हुआ है, इसी तरीके के सक्सेसफुल रिजल्ट आप भी पा सकते हैं। अब हम देखिए एक स्टेम्स को निकाल के देख लेते हैं इनकी रूटिंग कैसी, एक प्लांट को निकाल के मनी प्लांट्स की जो कटिंग लगाई थी इसे निकाल के देख लेते हैं और देख लेते हैं कैसी इसकी जो है रूटिंग चल रही है। इजिली आराम से हमें इसे निकाल लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी ही बढ़िया इनकी रूटिंग चल रही है, जो हमने हमारी मनी प्लांट्स की स्टेम्स को लगाया था इनकी, तो देखिए कितनी बढ़िया इसकी ग्रोथ चल रही है। इसी तरीके से आप भी अपने घर में मनी प्लांट्स को लगा सकते हैं और उनकी हरी हरी लीव्स पा सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे हम फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।